एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन कर लिया था कि लोड रेजिस्टेंस वो वैल्यू है जहाँ पे रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकली वो वैल्यू 1 ओम से कम, मतलब कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से कम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये शायद हमने पहले डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि उसको मेजर कैसे करते हैं। तो उसको मेजर करने से पहले ये देख लो कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ओके, तो अगर आप देखो कि लोड रेजिस्टेंस को का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो डायग्राम है ये बताता है लोड रेजिस्टेंस को, ये जो डायग्राम है ये लोड रेजिस्टेंस के कंस्ट्रक्शन को बताता है। लोड रेजिस्टेंस कैसे कंस्ट्रक्टेड होता है, तो आप देखो इसमें कितने टर्मिनल्स हैं। एक्चुअली 4 टर्मिनल होता है ये जो रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस होता है उसकी कंस्ट्रक्शन 4 टर्मिनल रेजिस्टेंस होती है। अब देखो यहाँ 4 टर्मिनल कौन कौन से 4 टर्मिनल्स हैं, तो इसके 4 टर्मिनल्स हैं C1, C2, देन V1 एंड V2। तो ये जो C1 C2 है इसको हम लोग बोलते हैं करंट टर्मिनल, और V1 V2 को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल टर्मिनल्स। तो जब भी हमें रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो हमें मेजर करना होगा पोटेंशियल अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस और करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट टर्मिनल से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं और बोलते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, उसको मेजर करके दैट इज द पोटेंशियल। दोनों के रेशियो से हम लोग, और मेथड्स है कुछ, उनके रेशियो को समझो कि दैट वी बाई आई जो रेशियो होगा दैट इज योर रेजिस्टेंस वैल्यू। अब इसमें 4 टर्मिनल क्यों है, क्योंकि कनेक्टिंग लीड, जो पहले भी बताया था प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कनेक्टिंग लीड्स जो होती है उस कनेक्टिंग लीड के कारण हमें प्रॉब्लम हो रहा था, उसकी रेजिस्टेंस को हमें कंसीडर करना होगा। जो लीड्स होते हैं ना रेजिस्टेंस में, उसके रेजिस्टेंस को कंसीडर करना होता है। पहले हमने डिस्कशन कर लिया इसके बारे में। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया जो आप देख रहे हो, ये क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है। बट इसको मेजर कैसे किया, केल्विन ब्रिज मेथड, राइट। ये बहुत पॉपुलर मेथड है और इस मेथड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसको बोलते हैं केल्विन ब्रिज मेथड। एक्चुअली अगर आपके सिलेबस के अंदर आपने देखा पढ़ा होगा तो दैट इज केल्विन डबल ब्रिज। तो बिफोर गोइंग इनटू केल्विन डबल ब्रिज क्यों कहते हैं या कुछ भी मेथड के बारे में, हम लोग डिस्कशन करते हैं कि केल्विन ब्रिज का मतलब क्या है, मतलब उस वो क्या होता है केल्विन ब्रिज। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इससे पहले मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा था कि उसमें क्या होते हैं, 4 ब्रांचेस होते हैं, 4 ब्रांचेस PQRS। सिमिलरली हमारा केल्विन ब्रिज में भी 4 ब्रांच होगा PQRS, सेम टू सेम। PQ को हम लोग बोलते हैं रेशियो आर्म्स, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू में मेजर करना है, S क्या है, S इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, राइट। और हम क्या करते हैं, कंपैरिजन मेथड से मेजर करते हैं। इसमें एक इंडिकेटर भी लगा, एक्चुअली इंडिकेटर के रूप में कौन सा, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और गैल्वेनोमीटर जब 0 वैल्यू बताता है, मतलब नल इंडिकेशन देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। और उस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू आती है यूजिंग दैट फॉर्मूला, आर इक्वल टू क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज में फॉर्मूला यूज किया था आर इज इक्वल टू एस इंटू पी बाई क्यू। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को। बट लोड रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम, जैसा हमने डिस्कशन किया था, कनेक्टिंग लीड्स का आता है। तो उस चीज को कंसीडर करने के लिए आप इस कंस्ट्रक्शन को देखो, इस केल्विन ब्रिज की अगर कंस्ट्रक्शन को देखो, तो ये जो पॉइंट है पॉइंट M टू पॉइंट N, पॉइंट M से लेकर के पॉइंट N तक वो कनेक्टिंग लीड है। उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस को R। अब इस मेथड केल्विन डबल ब्रिज मेथड से कैसे लोड रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज से कितना अलग है मेथड, ये भी एक बार डिस्कशन करते हैं कैसे होगा। तो हमने मान लिया कि पॉइंट M टू पॉइंट N की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, R, टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर का जो ये एंड है, दिस एंड, इस एंड को मुझे कनेक्ट करना है, अगर इस एंड को मैं M की तरफ कनेक्ट करूंगा, तो अगर मैं N की तरफ करूंगा तो ये जो कनेक्टिंग लीड का रेजिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसी चीज को N से कनेक्ट करूंगा गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर वाले पॉइंट को अगर N से कनेक्ट करूंगा, तो रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसमें ये टोटल जो R हमने कंसिडर किया है कनेक्टिंग लीड की रेजिस्टेंस, उसको ऐड करके फिर कैलकुलेशंस करना होगा,
मतलब ठीक है कि अगर मैं पॉइंट M को लेता हूं तो हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के अंदर उस जो वैल्यू है R का, दैट इज कनेक्टिंग लीड की जो वैल्यू है उसको कंसीडर करना पड़ेगा किसके साथ, ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ। और M के, अगर मैं इस पॉइंट को N पे लेता हूं तो अननोन रेजिस्टेंस के साथ इसकी वैल्यू को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट M पे आता हूं, अगर मैं पॉइंट M पे आता हूं तो उस समय क्या प्रॉब्लम होगी, और पॉइंट N पे अगर मैं लगाता हूं तो क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ एरर होता होगा, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं पॉइंट N पे आ जाऊं, अगर मैं कनेक्ट कर दूं गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को पॉइंट N से, तब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो जो एक्चुअल वैल्यू है हाई वैल्यू दिखाएगा। सिमिलरली अगर M पॉइंट पे करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज लो वैल्यू, वो लोअर वैल्यू बताएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक किसी बीच का पॉइंट लेते हैं, वी कंसिडर सम पॉइंट इन मिड, नॉट एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं, कि कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा पॉइंट है, वही पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, डी। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर को किसी पॉइंट डी पे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे डी पे कनेक्ट कर दिया, जो कि कनेक्टिंग लीड का रजिस्टेंस, क्लियर है। तो कनेक्टिंग लीड का आर कंसिडर कर लिया है और डी पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया। एम पे क्यों नहीं कर सकते, एन पे क्यों नहीं कर सकते, वो बता, पहले हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ लिसन, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं सो दैट R1 बाई R2 इक्वल्स P बाई Q इक्वल्स P अपॉन Q। मतलब R1 कौन सा पार्ट, M से लेकर के D तक जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं R1, फिर डी से लेकर के एन तक के रेजिस्टेंस को, डी से लेकर के एन तक के रेजिस्टेंस को हम R2, मतलब वो टोटल R को, टोटल जो रेजिस्टेंस, यहाँ देखो टोटल इसका रेजिस्टेंस था R, इस रेजिस्टेंस को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, R1 प्लस R2। तो R1 कहाँ से कहाँ तक रेजिस्टेंस है, M टू D, पॉइंट M से लेकर के D तक का रेजिस्टेंस, और ये D से लेकर के N तक का। तो M से लेकर के D तक का रेजिस्टेंस इज R1 और D से लेकर के N तक के रेजिस्टेंस को हम लोग R2 मान लिए। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस तो R है और हमने एक पॉइंट ले लिया D, सच दैट R1 बाई R2 का जो रेशियो है वो P बाई Q के फॉर्म में है। तो इसको लेने का क्या फायदा हुआ, क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं, तो ये देखो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इक्वेशंस एक बार सॉल्व करके देखते हैं, कुछ तो इक्वेशन में हुआ होगा जिस कारण से हमने ऐसे लिया है। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमने ये पॉइंट को R1 यहां कंसीडर कर दिया है, R2 वहां कंसीडर कर दिया है, तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं ऐसे, R प्लस स्मॉल R1 इक्वल्स P बाई क्यू। याद रखो हमने बैलेंस केस की बात, मतलब जब ये बैलेंस हो जाए, मतलब ब्रिज जब बैलेंस हो जाए उस केस में हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो पी वाई क्यू इंटू एस प्लस R2। बट हमारे पास एक और चीज़ है, दैट इज इक्वेशन, दो इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन है 1 ये मान लो, और ये रहा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग अगर दोनों इक्वेशन को आप कंसीडर करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अगर दोनों इक्वेशन को आप कंसीडर करो एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट, यू विल गेट R1 बाई R1 प्लस R2। ये पूरा इक्वेशन आप एक बार खुद से भी सॉल्व करना, और मैं कुछ स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ बट सो दैट जल्दी से हो सके हमारा वीडियो। R1 बाई R2 इक्वल्स P अपॉन P प्लस Q। इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 बाई R1 प्लस R2 इक्वल्स P बाई Q। अच्छा एक चीज़ हमें और पता है, वो क्या पता है हमें, R1 प्लस R2 इक्वल्स R, ये भी हमें पता है। अब इन दोनों से हमें क्या, अगर इफ वी कंसीडर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R, और ये तीनों इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, सबको कंसीडर करें, तो हमें R1 और R2 की वैल्यूज मिल जाएगी। कैसे, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 इक्वल्स P अपॉन P प्लस Q इंटू R, एंड R2 इक्वल्स Q अपॉन P प्लस Q इंटू R, राइट। तो R1 का वैल्यू क्या आ गया, P बाई P प्लस Q इंटू R, और R2 इज इक्वल टू Q बाई P प्लस Q इंटू R।
थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो अब इस इक्वेशन को फर्दर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कहाँ से R1 R2 की वैल्यू निकल गई, तो इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर अगर एनालाइज करें या फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फाइनली वी विल गेट R प्लस पी अपॉन पी प्लस क्यू। अपना इस इक्वेशन को खुद से भी सॉल्व करना, मैं कुछ स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लिख दूँ, बट फिर भी स्किप कर रहा हूँ ताकि ये लेक्चर बोरिंग ना हो, राइट। आर प्लस पी बाई पी प्लस क्यू इंटू आर इक्वल्स पी बाई क्यू इंटू एस प्लस पी बाई क्यू इंटू एस प्लस क्यू अपॉन एस प्लस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू आर, राइट। अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करो तो यू विल गेट द वैल्यू आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू, आर इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, देखो इस इक्वेशन को आप एक बार गौर से देख लो, दिस इक्वेशन इज सेम एज वीट स्टोन ब्रिज, सेम वीट स्टोन ब्रिज की तरह, लेकिन ये इक्वेशन किसका है, दिस इज फॉर केल्विन ब्रिज। हमने सॉल्व किया किसके लिए, तो हमने सॉल्व किया इक्वेशन को केल्विन ब्रिज के लिए, केल्विन ब्रिज के रेजिस्टेंस को हमने एक पॉइंट लिया, कनेक्टिंग लीड के रेजिस्टेंस को कंसिडर किया, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, बट उस पॉइंट को ऐसे कंसिडर किया सो दैट द रिजल्ट होगा अननोन रेजिस्टेंस का वो वही वैल्यू होगा जो कि हम लोग वीट स्टोन ब्रिज में कैलकुलेट आउट किए थे, राइट, क्लियर है। तो उस पॉइंट डी को सेलेक्ट करने का क्या फायदा हुआ आप लोगों को पता लग गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि केल्विन डबल ब्रिज, अभी तक तो हमने जो पढ़ा था वो क्या था, केल्विन ब्रिज, ये जो हमारा रिजल्ट आया है दैट इज फॉर द केल्विन ब्रिज। अब केल्विन डबल ब्रिज क्या होता है, ये काफी फेमस है और हम लोग इसी को आप पढ़ने जा रहे हैं कि केल्विन डबल ब्रिज। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग देखने वाले हैं केल्विन डबल ब्रिज। आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, दो रेशियो आर्म्स है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, केल्विन डबल ब्रिज। अब देखते हैं कि इसमें करते क्या है, केल्विन डबल ब्रिज में क्या होता है, रेशियो आर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक्चुअली द रेशियो ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू का जो रेशियो है कैपिटल पी बाई क्यू, इट इज मेड इक्वल टू स्मॉल पी बाई क्यू, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल पी बाई क्यू के रेशियो को स्मॉल पी बाई क्यू के रेशियो के बराबर एज्यूम करते हैं। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इफ आई ट्राई टू राइट द इक्वेशंस, ई ए बी इक्वल्स, कैसे लिखेंगे, ई ए बी इक्वल्स, ये केल्विन डबल ब्रिज के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ई ए बी इक्वल्स पी बाई कैपिटल पी अपॉन पी प्लस क्यू, कैपिटल पी प्लस क्यू इंटू ई ए सी। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं एक सॉल्व करूंगा ई ए सी इक्वल्स, पहले तो हम कंसिडर करेंगे ई ए सी कितना होता है, ई ए सी इक्वल्स आई इंटू ई ए सी इक्वल्स आई इंटू आर प्लस एस प्लस पी प्लस क्यू पी प्लस स्मॉल पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, ये स्मॉल पी है, स्मॉल पी प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, ए सी हो गया। और ई ए एम डी इसकी रेजिस्टेंस, अगर मैं ई ए एम डी की रेजिस्टेंस लिखूं तो क्या होगा, आई इंटू आर प्लस स्मॉल पी बाय स्मॉल पी प्लस क्यू होल कैपिटल पी प्लस क्यू कैप सॉरी स्मॉल पी प्लस क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर। दिस इज ये ए एम डी पॉइंट ए, अब वहां पे देख लो आपके सर्किट में कौन कौन से पॉइंट को हमने कंसीडर किया है, सर्किट के अंदर देखो पॉइंट ए एम और डी,
राइट। तो एएमडी ईएमएफ अक्रॉस या पोटेंशियल अक्रॉस एएमडी, और इससे पहले हमने पोटेंशियल अक्रॉस ईएसी कंसीडर किया। अब इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम लोग लिखना चाहें तो फर्दर इसको लिख सकते हैं ईएमडी इक्वल्स कैपिटल आई इनटू आर प्लस पी आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। क्लियर? तो इससे पहले जो हमने इक्वेशन अभी कुछ इक्वेशंस बनाया था, ये क्या था, दिस वाज अगर मेरा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा हो, मतलब कि अभी बैलेंस कंडीशन नहीं आया था, उस केस में ई ए एम डी की वैल्यू या ई ए सी की वैल्यू हमने कंसीडर किया। बट अगर हमारे गैल्वेनोमीटर, अगर मैं कहता हूँ कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब बैलेंस कंडीशन है, राइट right? इससे पहले हमने जो इक्वेशन ड्रॉ किया था दैट इज मतलब एक जनरल इक्वेशन क्या होगा, इफ देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईएमडी के, अगर मैं कंसीडर करूं कि हमारा जो सर्किट है वो बैलेंस हो गया, हमारा जो ये ब्रिज है वो बैलेंस हो गया, तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरा ब्रिज बैलेंस होगा तो उस केस में क्या होगा कि ई ए बी इक्वल्स इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज ई ए बी इक्वल्स ई ए एम डी, ए बी इक्वल्स ए एम डी। अगर इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर लिखना चाहो तो यू मे राइट इट पी बाई पी प्लस क्यू इन टू आई आर प्लस एस प्लस पी क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू आई इन टू आर प्लस पी आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ये सब ये स्मॉल है, राइट, स्मॉल पी पी प्लस क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब कि हम अगर बैलेंस कंडीशन को कंसीडर करें तो हमारा ई ए बी इज इक्वल टू ई एम डी और हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, राइट right? इस इक्वेशन को फर्दर अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं, फर्दर अगर इस इक्वेशन को मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं तो हमारे पास आएगा क्या, आर इक्वल्स पी अपॉन क्यू कैपिटल पी अपॉन क्यू इंटू एस प्लस क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर स्मॉल पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू कैपिटल पी बाई कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल पी बाई स्मॉल क्यू। नो, सिर्फ इतने दूर को कंसीडर करो। नाउ कंसीडर दिस इक्वेशन। तो फर्दर हम लोग क्या किया, ई ए बी इक्वल टू ई ए एम डी के इक्वल करके एक इक्वेशन को ई ए बी इक्वल टू ई ए एम डी के बराबर इक्वेशन को सॉल्व किया और फाइनली एक कंक्लूजन पे आते हैं। एक इक्वेशन हमने डिराइव किया जिस इक्वेशन में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। बट अब आपको पता होगा डबल ब्रिज जब स्टार्ट किया था हमने उसी समय एक अजम्पशन माना था जो ऊपर दिया हुआ है। क्या अजम्पशन माना था, कैपिटल पी बाई कैपिटल क्यू इक्वल स्मॉल पी बाई स्मॉल क्यू। अगर इसी अजम्पशन को हम लोग कंसिडर करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इसी अजम्पशन को अगर हम कंसीडर करते हैं मतलब कि ये p बाई क्यू इज इक्वल टू स्मॉल p बाई स्मॉल q, देन वी विल गेट फ्रॉम दिस, इससे ये वन रखो और कंसीडर टू, राइट, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू इक्वेशन से मेरे पास क्या आएगा, r इक्वल्स p बाई क्यू इंटू एस, राइट। तो ये काफ़ी पॉपुलर इक्वेशन है, आप सब जानते ही हो, व्हीटस्टोन ब्रिज से ही हम लोग इस पढ़ रहे हैं इस इक्वेशन को। तो देखो इसका मतलब है कि अगर हम मैं डबल ब्रिज की बात करूँ, केल्विन डबल ब्रिज की बात करूँ या केल्विन ब्रिज के हमने कैलकुलेशन कर लिए थे, केल्विन ब्रिज में भी अगर हमने डी पॉइंट को गैल्वेनोमीटर के डी पॉइंट को ऐसे जगह पर रखा सो दैट हमारा जो इक्वेशन है वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्वेशन के सेम आ गया। सिमिलरली डबल ब्रिज में रेशियो आर्म्स को ऐसे सेलेक्ट करूं ताकि जो कैपिटल पी बाई क्यू रेशियो आर्म है अगर वो उस
उसका जो रेशियो है कैपिटल पी अपन कैपिटल क्यू, अगर उसको मैं कंसिडर करता हूँ स्मॉल पी बाई स्मॉल क्यू के, तो जो रिजल्ट आता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस का वो सेम है किसके, दैट रिजल्ट इज सेम एज सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज, जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला रिजल्ट था उसी के बराबर ये भी रिजल्ट आ रहा है, क्लियर है। तो आई थिंक कि मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस यहीं पे हमारा ख़त्म होता है, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट हम कभी और करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं एसी मेजरमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज, देन सीरिंग ब्रिज, मतलब कैपेसिटेंस को मेजर करना, सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करना, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रिज जो होते हैं उसको मैं कंसिडर करूँगा। सो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखो, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज़ उस नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करो, सो दैट मुझे हर बार ग्रुप में जाके या कहीं और पोस्ट ना करना पड़े, आपके मोबाइल में खुद ब खुद वो आ जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एसी ब्रिज।